नमस्कार रवरे देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम हम समूह वक्त देवभूमि देवरिया मौजूद बानी। पीछे चूंकि बड़ा सा शिवालय और रुद्र मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी दिखाई देता। खास वजह बा देवरिया में, देवरिया पूरे देश में सुर्खी बनल बा। देवरिया में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जौन घटना घटल, वो घटना आज बड़े दूसरे नजर से देखल जाता है ये घटना के। और देश भर के मीडिया डेरा डाल चुकल बा देवरिया में। एक कड़ी में भोजपुरी न्यूज टाइम भी देवरिया मौजूद बा। एक खास वजह हो जाला कि आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ मौजूद होता रहन। देवरिया में फतेहपुर दोनों परिवार से मिलना का जो उनका प्रोग्राम बा वो आज देखल जाइए। और पूरा देश नजर गड़ौले बा कि अखिलेश यादव देवरिया में आके का कुछ बड़ा करे जाता ना। चूंकि एक बात और बताई कि देखिए पीछे पीछे पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा के कार्यकर्ता लोग के, आम पब्लिक के, समाज के हर व्यक्ति के रोकल जाता। और देवरिया से जितना मार्ग बा फतेहपुर लेड़ा जाए वाले के, वो सब पे फोर्स लगा के, भारी पुलिस बल लगा के रोक दिया गया बा। वजह जो भी होके, अब जिस एंगल से, जौने भी एंगल से के देखल जातो के, उत्तर प्रदेश के पूरी फोर्स यहाँ पे लगल बा। अखिलेश यादव के डेलीगेशन, अखिलेश यादव के कुछ काफिला, कुछ गाड़ी परमिशन हुई प्रोटोकॉल के तहत उ लेहरा फतेहपुर जा सकेले। लेकिन आम जनता के पीछे देखी भारी भारी बैरिकेडिंग लगा के, सिर्फ सिर्फ रुद्रपुर ही नहीं के, देवरिया से जितना रोड फतेहपुर लेहरा के कनेक्ट करता हूँ सब के बैरिकेडिंग बा। और पूरी हम दिखाई की पूछी, पूरी समाजवादी पार्टी के यहाँ से दिखाई कि पूरी यहाँ भी भीड़ बा। समाजवादी पार्टी के पूरा कार्यकर्ता लाल टोपी लगा के खड़ा बाड़न। और यहाँ तमाम इधर पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा बाड़न अपने नेता के दीदार में कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके का करे वाला बाड़न। आज समाजवादी पार्टी के नेता के डेलीगेशन का करे जाता, क्योंकि पूरी तरह से भीड़ देखी मुस्तैद बा। और पूरी तरह से समाजवादी के जो डेलीगेशन बा रोकल जाता है, बैरिकेडिंग लगा के परिंदा भी पर न मारे, मार पा रहे। ये चीज के पत्ते पत्ते पे नजर उत्तर प्रदेश सरकार कहले बा, पैनी नजर उत्तर प्रदेश सरकार के घटना पे बा। लेकिन जो राजनीति होता, ये राजनीति के दबाला का भी कोशिश कर जाता कि ये राजनीति के रोकल जा, क्योंकि चप्पे चप्पे पे ये हर एंगल पे घटना का जाँच होता। और ये जाँच के रोकला के प्रयास उत्तर प्रदेश का सरकार भी, वर्तमान सरकार भी कर रहा बा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज फतेहपुर ले रहा आके का बड़ा करे वाला बनन। और दुनिया के नजर पर का लगल बा, देवरिया समेत पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में ए पर नजर बनौले बा सब, ए पर होके कहा जाता। अब से कुछ ही देर अखिलेश यादव के काफिला यहाँ आए वाला बा, देखत रहे। भाई रुद्रपुर के पॉइंट है, पूरी काफिला देखिए अखिलेश यादव का, पूरी भीड़ और चप्पे चप्पे पे पूरा फोर्स अखिलेश यादव का ही काफिला। आप देखत नहीं कि सीधे अखिलेश यादव पीछे देवरिया फतेहपुर के लिए दोनों पीड़ित परिवार से मिले खातिर निकल पड़े बना। ये अखिलेश यादव का काफिला देखिए, पूरी भीड़ देखिए अखिलेश यादव का काफिला, और जनता पीछे पीछे अखिलेश यादव के काफिला के पीछे दौड़ रहा बा। ये पूरी तरह से भीड़ के कंट्रोल, पुलिस बल पूरी तरह से भीड़ के कंट्रोल कैले में लागल बा। और अखिलेश यादव के देखिए काफिला, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यही गाड़ी में जाता रहन। और यहाँ देवरिया रुद्रपुर से एक काफिला मुड़ गई बा, और देवरिया फतेहपुर के लिए अखिलेश यादव का एक काफिला निकल पड़ल बा। अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव दोनों परिवार से मिलकर जब निकलिए तो आप कहा कुछ अपडेट हुई, वो अपडेट के बारे में देखिए। अखिलेश यादव का पूरी काफिला पीछे जा रहा बा, और पूरी भीड़ पुलिस बल पूरी तरह से कंट्रोल करने में लागल बा। और जबरदस्त भीड़ बा है अखिलेश यादव के कैंपेन में, अखिलेश यादव के दीदार खातिर समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से उतर गल बा। बड़ी भारी फोर्स लगा के ये भीड़ के कंट्रोल कैला के भी प्रयास कही जाता। देखिए पूरी तरह से जाम की स्थिति हो गई रुद्रपुर के पॉइंट पे, नाथ बाबा के सामने, मंदिर के सामने ठीक की पॉइंट पे भीड़ बा। और काफी काफी गाड़ी, काफी काफिला के साथ अखिलेश यादव अब से यहां से निकल रहा बाड़न।